वह पौधा यहाँ कहाँ है आसपास, मुझे उसको ढूंढना होगा क्योंकि वह पौधा आसानी से सब्जी लायक नहीं मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है अर्टिका डायोका है। वेलकम बैक, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाला हूं और ऐसे पौधे की सब्जी बना करके दिखाने वाला हूं जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। उसको यहां पे औषधि के लिए भी प्रयोग किया जाता है और गाय बच्चियों के चारे के लिए भी उस पौधे का यूज किया जाता है। और वहीं मैं बात करूँ तो उसकी सब्जी जो है काफ़ी टेस्टी होती है, यूज किया जाता है, उसके रेसे निकाल करके उसके वस्त्र भी बनाए जाते हैं। ऐसे पौधे के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ और उस पौधे को दिखाने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज उस पौधे की मैं आपको सब्जी बना करके दिखाऊंगा। तो सब्जी बनाने से पहले मुझे उस पौधे को कलेक्ट करना होगा और ढूंढना होगा वह पौधा यहाँ कहाँ है आसपास, मुझे उसको ढूंढना होगा क्योंकि वह पौधा आसानी से सब्जी लायक नहीं मिलता है। तो उसको ढूंढने के लिए पहले मुझे कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यार, एक मुझे दराँती की ज़रूरत पड़ेगी और वहीं मैंने यहाँ पे पूरा सामान जुटा लिया है क्योंकि मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, चिमटी की भी। और तो दोस्तों, मैं चलता हूँ उस पौधे को उठाने के लिए और आप सभी को यह सब कुछ दिखाने वाला हूँ। मैं घर से अभी निकल गया हूँ उस पौधे को ढूंढने के लिए और उस पौधे का नाम है दोस्तों बिच्छू घास, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था। तो दोस्तों, बिच्छू घास को हमारे जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र में सिसोण या सिण के भी नाम से जाना जाता है। वहीं बात करूँ मैं हमारे गढ़वाल क्षेत्र की तो गढ़वाल क्षेत्र में इसको कंडली के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हिंदी नाम तो आपने सुन ही लिया होगा बिच्छू घास, और वहीं मैं बात करूँ इसका वैज्ञानिक नाम जो है अर्टिका डायोका है। तो दोस्तों, यह पौधा जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में काफ़ी पाया जाता है और जिसका क्या है काफ़ी औषधियाँ भी होती हैं जिस पौधे की। चलिए दोस्तों, फटाफट से अब इस हम पौधे को ढूंढ लेते हैं और दो चार जगह से जैसे ही हमें पौधा मिल जाता है उसकी पत्तियाँ हमें उठानी होती हैं। तो सब्जी के लिए हम उसकी पहले पत्तियाँ इकट्ठा कर लेंगे। मुझे अभी एक जगह कुछ पौधे मिल गए हैं और दो चार जगह मुझे और ढूंढना होगा। चलिए दोस्तों, मुझे एक जगह और मिल गया है क्योंकि ये एक्चुअली ज़्यादातर खेतों के आसपास पाया जाता है। तो आजकल जो है गेहूं हुए हैं, इसको सूर्यास्त से पहले ही उठा देना होता है यदि हमें सब्जी बनानी है। तो दोस्तों, सूर्यास्त से पहले उठाने का इसका रीज़न ये है, यदि हम इसको पहले धूप में नहीं उठाते हैं उसके बाद उठाते हैं तो इसमें कई सारे कीड़े मकोड़े कुछ अन्य ऐसी डस्ट आ जाती है जो कि सब्जी उपयोगी नहीं होती है, तो इसलिए हमें ये धूप में ही उठाना होता है। दोस्तों, एक जगह और मुझे यहाँ पर बिच्छू घास मिल गई है। शायद अब तो तीन चार जगह से मेरे सब्जी लायक हो जाएगा। तो दोस्तों, एक जगह और मुझे मिल गई है और अब मैं यहाँ से बिच्छू घास उठाना शुरू कर देता हूँ। इसकी जो कोमल कोमल पत्तियाँ होती हैं वह हमें उठाना होता है। तो दोस्तों, फाइनली अब मैंने ये बिच्छू घास अभी कलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, बिच्छू घास के जो फूल होते हैं वह पीले और गुलाबी कलर के होते हैं और वहीं मैं बात करूं तो इसका जो है कि दोस्तों कई सारी बीमारियां, जैसे मैंने बताया था, इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आदमी के पैर में मोच आना, गठिया रोग, मलेरिया और बुखार, और जैसे तंत्र मंत्र जैसी बीमारियाँ, और इसके भी अलावा कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका इस पौधे के जरिए निवारण किया जा सकता है। मेरे पास जो मैं बर्तन लाया था उसमें ये अभी फूल हो गया है, थोड़ा बहुत मैं दो चार जगह से उठा लाया हूँ। कुछ इस प्रकार से इसकी पत्तियाँ कलेक्ट करनी हैं और कलेक्ट करने के बाद फिर मुझे अभी ये उबालना होगा। सिलबट्टे में इसको पीस दिया जाता है और उसके बाद इसमें तड़का लगा करके इसको भूना जाता है और उसके बाद इसको सब्जी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पूरी तरह से तैयार है, अब इसको उबलते हुए पानी में डालना है। तो दोस्तों, इसको ऐसे उठा करके यहाँ गर्म पानी में हमको ये डालना है और उसके बाद इसको बॉयल करना है। बॉयल हो जाने के बाद फिर इसको सिलबट्टे में पीस दिया जाता है। तो पीसने की प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसको हम ऐसे ही पूरा ओके करके हमने यहाँ पे ये डाल दिया है और इस पर हम पूरा इसको कवर करके बंद कर देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद ही हमको ये सिलबट्टे पे पीसना है। तो दोस्तों, अब इसको ऐसे बंद कर देते हैं, बॉयल कर लिया है। अब बॉयल होने के बाद इसका जो गर्म पानी है उसको मैं अभी गिरा दूंगा। गिराने के बाद फिर इसको सिलबट्टे में मुझे पीसना है। पीसने के बाद फिर इसको भुना जाएगा। पहले मैं इसको सिलबट्टे में पीस लेता हूँ।
सिलबट्टे में पीसने के बाद दोस्तों इसमें सारा मसाला तैयार कर डाल दिया जाता है और मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद इसको भूना जाता है। तो दोस्तों हमने कढ़ाई यहाँ पर रख ली है और उसमें ऑयल डालने के बाद गाइस अब फाइनली इसको कढ़ाई में भून लिया जाएगा और हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया है और उसके बाद जो भी इसमें सारा हमने मसाला तैयार किया है वो सब कुछ इसमें भून करके हमने यह पूरा मिक्सर बना लेना है और उसके बाद हमारा फाइनली जो भी है यह सब्जी तैयार हो जाएगी। चलिए गाइस और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा। पहाड़ में तरह तरह की ऐसी डिशें बनाई जाती हैं जिनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइस अब जैसे हमने इसमें सारा मसाला डालने के बाद इसको हल्का सा हमने भून लेना है कढ़ाई में, उसके बाद एक उबाल उबलने के बाद हमको यह उठा देना है तो फिर हमारी सब्जी जो है पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएँ यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।